कोलकाता के सरकारी अस्पताल के ट्रेनी डॉक्टर की रेप के बाद हत्या के आरोपी संजय रॉय को 14 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। पुलिस ने संजय को 9 अगस्त को गिरफ्तार किया था। इधर ट्रेनी डॉक्टर को न्याय दिलाने के लिए कैंडल मार्च निकाला गया, सड़क पर प्रदर्शन किया गया। इससे पहले कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर के डेड बॉडी मिली थी। पता चला है कि रेप के बाद डॉक्टर की हत्या की गई। ट्रेनी डॉक्टर का अर्धनग्न शव हॉस्पिटल के सेमिनार हॉल के अंदर मिला था। तो कोलकाता में डॉक्टर बेटी को इंसाफ के लिए देखिए लगातार प्रोटेस्ट जारी है। डॉक्टर के साथ हैवानियत की गई। कोलकाता की दरिंदा जो है वो ब्लूटूथ ईयरबड से पकड़ा गया। वी वॉन्ट जस्टिस के नारे यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। कोलकाता पुलिस के मुताबिक ट्रेनी डॉक्टर के आँख मुंह और प्राइवेट पार्ट से खून बह रहा था। उसके पेट, बाएं पैर, गर्दन, दाहिने हाथ, रिंग फिंगर और होठों पर भी चोटें थीं। गर्दन की हड्डी जो है वो भी टूटी हुई थी। ऐसा लगता है कि रेप के बाद गला घोटकर हत्या की गई है। 31 साल की ट्रेनी डॉक्टर चेस्ट मेडिसिन डिपार्टमेंट में पीजी सेकेंड ईयर की स्टूडेंट थी। जानकारों के मुताबिक ट्रेनी डॉक्टर ने गुरुवार की देर रात करीब 2 बजे जूनियर्स के साथ खाना खाया था। उसके बाद वो सेमिनार रूम में चली गई। यहाँ पर अगली सुबह उसकी डेड बॉडी मिली। तो ये पूरी स्थितियाँ जो हैं वो उस दिन रही और जो पुलिस जानकारी में फिलहाल सामने आया है। घटना के बाद दिन में मेडिकल स्टूडेंट्स, बीजेपी, कांग्रेस और वाम दलों ने अस्पताल के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। बीजेपी ने सीबीआई जांच की मांग की है। इधर पुलिस ने संजय रॉय नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया है, जिसे 14 दिन पुलिस कस्टडी में भेजा गया है। पुलिस का कहना है कि उसकी गतिविधियां काफ़ी संदिग्ध हैं। सीसीटीवी में पाया गया कि जब संजय रात 3 बजे आया तो उसके गले में एक ब्लूटूथ था, लेकिन जब वो गया तो उसके गले में ब्लूटूथ नहीं था। ट्रेनी डॉक्टर के शव के पास ये ब्लूटूथ पाया गया। आरजीकर मेडिकल कॉलेज का सेकेंड ईयर का छात्री मौमिता देवनाथ, गुरुवार नाइट ड्यूटी था उनका आरजीकर मेडिकल कॉलेज में। ठीक मेरा पीछे जो मेडिकल कॉलेज बिल्डिंग है, इमरजेंसी डिपार्टमेंट में ही उनका ऑन कॉल मेडिकल ऑफिसर के तहत उनका ड्यूटी था। उसके बाद शुक्रवार सुबह उनका डेड बॉडी रिकवर हुआ इसी इमरजेंसी बिल्डिंग का फोर्थ फ्लोर का जो सेमिनार हॉल है, उस सेमिनार हॉल से ही डेड बॉडी रिकवर हुआ। डेड बॉडी रिकवर करने के बाद ही जो स्टूडेंट्स है, जो उनका कॉलीग्स है, उनके तरफ से डिमांड किया गया कि ये सिर्फ मर्डर नहीं है, ये रेप एंड मर्डर केस है। और उसके बाद ही कलकत्ता पुलिस कमिश्नर की तरफ से ये इन्वेस्टिगेशन चालू किया गया, एक एसआईटी गठन किया गया। उस एसआईटी के तहत जो इन्वेस्टिगेशन है, उस इन्वेस्टिगेशन में बाहर आया कि मौमिता देवनाथ के डेड बॉडी में बहुत सारे मार्क्स है, जिसके वजह से पुलिस को लगता है प्राइमरी जो इन्वेस्टिगेशन है उनके मुताबिक मौमिता देवनाथ के ऊपर अत्याचार किया गया था, उसके बाद उनको दर्द दाग मत दिया गया था। इसके बारे में आज आरजीकर मेडिकल कॉलेज में प्रोटेस्ट में शामिल है जो स्टूडेंट्स और जो कॉलीग्स, जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, उनके तरफ से आज सुबह से ही प्रोटेस्ट दिखाया जा रहा है। जो पोस्टर्स है वो पोस्टर्स में लिखा है स्टॉप वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, और उसके साथ साथ ही वी नीड जस्टिस, यानी मौमिता देवनाथ को जस्टिस दिलाने के लिए स्टूडेंट्स की तरफ से प्रोटेस्ट दिखाया जा रहा है। कोलकाता का आरजीकर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, जिस आरजीकर मेडिकल कॉलेज में मौमिता देवनाथ काम करती थी, और उसी जगह में उनको दर्दनाक मौत दिया गया, और उसी वजह से आज स्टूडेंट की तरफ से प्रोटेस्ट किया जा रहा है। मैं एक बार बात करने का कोशिश करूँगा। मैडम, आप लोगों का डिमांड क्या है? वी वांट जस्टिस। और क्या क्या डिमांड है आप लोग? अपराधी रे तारातरी धरा पड़ुक, तारातरी शास्ति पाक एटा यार किछु। मैडम क्या क्या डिमांड है आप लोग, क्या क्या डिमांड लेकर आप लोग आज ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं? जो दोषी है उन लोगों को जल्द से जल्द सजा मिलना चाहिए और हमारा सिक्योरिटी बहुत स्ट्रांग बनाना चाहिए। कैमरा पर्सन अमित धनुक के साथ रौनक दत्तो, इंडिया न्यूज, कोलकाता। भाजपा ने ममता बनर्जी सरकार पर मामले को दबाने का आरोप लगाया है। ब्राइट एक डॉक्टर जो पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी
आज आरजीकर जैसा हॉस्पिटल में काम कर रहे थे, जो जिस हालत में उनका बॉडी मिला गया, कंप्लीटली निर्वस्त्र और बहुत बॉडी में ब्रूजेस, खत जो है बहुत ज्यादा, इसको देखकर लगता है उसको रेप करके खून किया गया है। तो हम लोग का दावी है सीबीआई इन्वेस्टिगेशन हो। और ऐसे भी शाम के वक्त के बाद आप पोस्टमार्टम नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पर इन लोग पोस्टमार्टम कर रहे हैं, ये हमको सुनने में आ रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि परिवार ये बोले कि वो प्रिजर्व करे बॉडी, और कल हम लोग केंद्रीय सरकार के कोई अस्पताल से पोस्टमार्टम करेंगे, क्योंकि यहाँ का ये सरकार का स्टेट सिस्टम से अगर पोस्टमार्टम हो तो जो सच्चाई है वो फिर से दब जाएगा, ये हमारा पूरा विश्वास है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण और घृणित बताया और कहा है कि मैंने पीड़ित परिवार से बात की है और उन्हें उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। मैंने मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाने का निर्देश दिया है। अगर जरूरत पड़ी तो आरोपियों को फांसी दी जाएगी। हालांकि मैं फांसी की सजा की समर्थक नहीं हूं। कोलकाता का को लेकर जो संजय रॉय को 14 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा गया है, पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण और घृणित बताया और कहा है कि मैंने पीड़ित परिवार से बात की है और उन्हें उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। मैंने मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाने का निर्देश दिया है। अगर जरूरत पड़ी तो आरोपियों को फांसी दी जाएगी। हालांकि मैं फांसी की सजा की समर्थक नहीं हूं।